नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस में। आज का टॉपिक है हमारा मल्टीमीडिया में फॉन्ट की क्या आवश्यकता और किस किस प्रकार के फॉन्ट यूज किए जाते हैं। कौन कौन से फॉन्ट होते हैं, कैसे उनका यूज मल्टीमीडिया में किया जाता है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं तो मल्टीमीडिया में टेक्स्ट नाम का एक कंपोनेंट होता है जिसका यूज मल्टीमीडिया में इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए और उसे आसानी से समझाने के लिए किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था, जाना था टेक्स्ट के बारे में। तो टेक्स्ट को ऑडियंस या यूजर तक किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसके लिए हम फॉन्ट का यूज करते हैं। फॉन्ट एक प्रकार का लिखने की शैली होती है जो हमारे द्वारा लिखे हुए टेक्स्ट को अट्रैक्टिव फॉर्मेट प्रोवाइड करती है, जिसके माध्यम से हम अपने टेक्स्ट को अधिक आकर्षित बना सकते हैं। कई प्रकार के फॉन्ट होते हैं जिनके माध्यम से टेक्स्ट को लिखा जा सकता है, और वह टेक्स्ट जो विभिन्न प्रकार के फॉन्टों को सपोर्ट करता है या जिन्हें विभिन्न प्रकार के फॉन्टों के माध्यम से लिखा जाता है, तो ऐसे टेक्स्ट को हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मल्टीमीडिया का यूज इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, तो उस इन्फॉर्मेशन को वेल फॉर्मेट में, आकर्षित में समझाने के लिए, दिखाने के लिए टेक्स्ट पर विभिन्न प्रकार के फॉन्ट का यूज आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फॉन्ट के बारे में कि मल्टीमीडिया में टेक्स्ट को लिखने के लिए किस किस प्रकार के फॉन्टों का यूज किया जाता है। तो मल्टीमीडिया का ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें निम्नलिखित कंपोनेंट्स जैसे टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, हाइपरमीडिया आदि का यूज किया जाता है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए टेक्स्ट का यूज अत्यधिक किया जाता है और आसानी से किया जाता है। टेक्स्ट को लिखने के लिए हम कीबोर्ड या OCR जैसी इनपुट डिवाइसों का यूज करते हैं। जब हम OCR के माध्यम से टेक्स्ट को स्कैन करते हैं तो उसमें जो फॉन्ट हमने अपनी हैंड रिटन या हैंड राइटिंग में लिखा है वही फॉन्ट यूज किया जाता है। लेकिन जब हम कीबोर्ड के माध्यम से कोई टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कई प्रकार के फॉन्टों का यूज किया जा सकता है, और ये फॉन्ट हमारे कंप्यूटर्स में पहले से ही उपस्थित होती हैं। यदि जो हमारे कंप्यूटर में उपस्थित नहीं होती हैं तो आवश्यकता अनुसार फॉन्टों को हम नेट से डाउनलोड कर सकती हैं और उन्हें अपने कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल के अंदर फॉन्ट नाम के फोल्डर में पेस्ट कर सकती हैं या इंस्टॉल कर सकती हैं, जिसकी सहायता से हम जब कोई प्रोग्राम खोलते हैं या ओपन करते हैं तो उस प्रोग्राम में उन फॉन्टों को रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर हम अपने टेक्स्ट को लिखने के लिए फॉन्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो जब भी कोई टेक्स्ट मल्टीमीडिया में यूज किया जाता है और जिसमें हम इंफॉर्मेशन को
कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करते हैं। तो कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे पेज मेकर, जैसे कोडल ड्रो, जैसे एडोब इन डिजाइन, जैसे एमएस वर्ड, जैसे वर्ड परफेक्ट। तो ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं जिनकी सहायता से हम अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं और उन टेक्स्ट को मल्टीमीडिया में अधिक अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम फॉन्ट का यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग जब वीडियो देखते हो तो आप देखते हो कि वीडियो का जो फ्रंट पेज होता है, जो बैनर होता है, जो थंबनेल्स होता है, उसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है वो अधिक प्रभावशाली होता है, अट्रैक्टिव फॉर्मेट में होता है, डिजाइन में होता है। तो इस प्रकार से फॉन्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कंप्यूटर्स में कई प्रकार के फॉन्टों का यूज किया जाता है। तो फॉन्ट में एलिमेंट्स होते हैं जिसमें किसी भी टेक्स्ट को लिखने की स्टाइल को बदला जाता है और उसे हम विभिन्न प्रकार की स्टाइल में टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग में लाते हैं। फॉन्ट एक टाइप फेस या फॉन्ट फेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका यूज टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए और ऑडियंस को मल्टीमीडिया फाइल की तरफ अट्रैक्ट कराने के लिए या आकर्षित करने के लिए, टेक्स्ट को अधिक प्रभावित बनाने के लिए फॉन्ट का यूज किया जाता है। मल्टीमीडिया के अलावा टेक्स्ट को विभिन्न प्रोग्राम जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डीटीपी सॉफ्टवेयर आदि में भी किया जाता है और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे जो ऑपरेशन लिखा हुआ है वहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर सकते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही फॉन्ट उपलब्ध रहती हैं और यदि फॉन्ट उपलब्ध नहीं है तो इन्हें हम नेट के माध्यम से डाउनलोड भी करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फॉन्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले हम आवश्यक फॉन्ट को इंटरनेट से डाउनलोड करती हैं या मार्केट से परचेज कर सकती हैं। अब इन फॉन्टों को हम कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में फॉन्ट नाम का एक फोल्डर होता है, ऑप्शन होता है, वहाँ पर पेस्ट कर देती हैं, इंस्टॉल कर देती हैं और यह फॉन्ट हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाती हैं और फिर इसके बाद हम इसे किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं। कई प्रकार के फॉन्ट हैं जो हमारे कंप्यूटर्स में यूज किए जाते हैं, जैसे ओपन फॉन्ट, ये सबसे अधिक आधुनिक और फ्लेक्सिबल फॉन्ट होते हैं। इन्हें आउटलाइन फॉन्ट भी कहा जाता है, जो हमारे टेक्स्ट की आउटलाइन के रूप में यूज किए जाते हैं। इनका यूज छोटे बड़े आउटलाइन टेक्स्ट को लिखने या बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कुछ फॉन्ट के प्रकार दिए गए हैं, जैसे पहला आपका दिया गया है ओपन टाइप फॉन्ट, यह सबसे अधिक आधुनिक और फ्लेक्सिबल फॉन्ट होती हैं। इन्हें हम आउटलाइन फॉन्ट भी कहते हैं और इनका यूज छोटे या बड़े आउटलाइन टेक्स्ट को लिखने के लिए किया जाता है। इसके बाद आते हैं ट्रू टाइप फॉन्ट। ट्रू टाइप फॉन्ट ओपन टाइप फॉन्ट के ओल्ड वर्जन के नाम से जाने जाते हैं, यानी सबसे पहले ट्रू टाइप आए थे, उनके बाद फिर आपके ओपन टाइप। तो यह ओपन टाइप फॉन्ट की तरह ही यूज में लाए जाते हैं। इनकी क्वालिटी ओपन टाइप की तुलना में कम होती है, तो जिसकी वजह से इनके स्थान पर आज हम ओपन टाइप फॉन्टों का यूज कर रहे हैं। फिर आते हैं ट्रू टाइप कलेक्शन, यानी ट्रू टाइपों में बहुत सारे फॉन्टों का यूज किया जाता है, जो मैं आपको अभी दूसरी फाइल में बताऊंगा कि कौन कौन से फॉन्ट होती हैं जिन्हें हम ट्रू टाइप के रूप में जानते हैं। तो ट्रू टाइप कलेक्शन मतलब फॉन्टों की श्रृंखला, यानी एक फाइल जिसमें कई प्रकार के फॉन्ट अलग अलग कैटेगरी में यूज किए जाते हैं, जिनमें फॉन्टों के लिखने की अलग अलग स्टाइल होती हैं। तो ऐसे फॉन्टों के कलेक्शन को हम ट्रू टाइप कलेक्शन कहते हैं और यह एक ऐसी लिस्ट उपलब्ध कराता है जिसमें एक एक से अधिक फॉन्ट उपलब्ध होते हैं और जिनमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार अपने डॉक्यूमेंट में, अपने टेक्स्ट में अलग अलग फॉन्टों को टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। लेकिन एक टेक्स्ट पर या एक कैरेक्टर पर एक बार में एक ही फॉन्ट को अप्लाई किया जा सकता है।
फिर आता है एडोब, एडोब यानी एडोब एक्रोबेट, यानी एडोब एक कंपनी है जिन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर बनाए, जैसे एडोब पेज मेकर, जैसे एडोब फोटोशॉप, एडोब इन डिजाइन, एडोब एक्रोबेट जिसे हम PDF के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें भी कुछ स्पेशल फॉन्टों का यूज किया जाता है। तो ऐसे फॉन्ट हैं, ऐसे लिखने की शैली जो सिर्फ एडोब सॉफ्टवेयर के लिए ज़्यादातर यूज में लाई जाती हैं और जिनका यूज मुख्यतः हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग के क्षेत्र में करते हैं या डेस्कटॉप पब्लिशिंग के कार्यों में, जैसे बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग, स्टिकर, लिपलेट आदि को बनाने में करती हैं। तो ऐसे फॉन्ट हमारे एडोब फॉन्ट के नाम से जाने जाते हैं। और किसी फॉन्ट के सैंपल को देखने के लिए फॉन्ट फोल्डर में, यानी जो आपको मैंने बताया कंट्रोल पैनल के अंदर फॉन्ट फोल्डर होता है, तो वहाँ पर फॉन्ट फोल्डर पर हम डबल क्लिक करके उसमें हमें विभिन्न प्रकार के फॉन्ट दिखाई देते हैं और जिनमें हम डबल क्लिक करके उनका प्रीव्यू देख सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट किस प्रकार से हमारे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो कहने का मतलब, फॉन्ट के माध्यम से हम अपने टेक्स्ट को अधिक अट्रैक्टिव बनाते हैं, आकर्षित बनाते हैं, जिससे उसे पढ़ने में और समझने में और देखने में आसानी होती है और हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने बात की फॉन्ट के बारे में, और फॉन्ट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि फॉन्ट किस प्रकार से यूज होती हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है फॉन्ट का यूज करके टेक्स्ट को अलग अलग प्रकार से रिप्रेजेंट करना। तो फॉन्ट टेक्स्ट का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें टेक्स्ट को अलग अलग ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हम टाइप फेस यानी फॉन्ट की स्टाइल, लिखने की स्टाइल, फॉन्ट साइज यानी उसका साइज कि हमें कितना बड़ा टेक्स्ट लिखना है, उसका वजन यानी उसका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज, कलर आदि चीज़ें शामिल रहती हैं। विभिन्न प्रकार के फॉन्ट के कुछ उदाहरण जैसे नीचे दिए गए हैं, जैसे आपको यहाँ पर चार वर्ड दिखाई दे रहे हैं और चारों वर्ड को लिखने के अलग अलग स्टाइल हैं। जैसे यहाँ पर क्यूरियर लिखा हुआ है, बहुत ही हल्का या छोटा लिखा गया है। फिर यहाँ पर जियोग्रिया बोल्ड लिखा हुआ है, तो जियोग्रिया बोल्ड मतलब थोड़ा गहरा सा और थोड़ा बड़ा सा दिखाई दे रहा है हमें। उसके बाद टाइम्स न्यू रोमन, उसके बाद टर्मिनल। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से हमारे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। तो फॉन्टों का यूज जैसा मैंने बताया कई सॉफ्टवेयरों में होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड प्रेड, या फिर आपका वर्ड परफेक्ट, कोरल ड्रो, पेज मेकर, कई सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे हम फॉन्टों का यूज करते हैं। तो फॉन्ट जो होती हैं आपके, वो टेक्स्ट में अलग अलग स्टाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। फॉन्ट के आधार पर हम टेक्स्ट के टोन को सेट करते हैं, यानी उसकी लिखने की स्टाइल को सेट करते हैं। तो कुछ फॉन्ट यहाँ पर दिए गए हैं जो हमारे कंप्यूटर पहले से उपस्थित होते हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर उपस्थित होते हैं। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस किस फॉन्ट का और कितने फॉन्ट साइज का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर टेबल के रूप में आपको प्रोवाइड किया गया है। जैसे गूगल डॉक, जो गूगल द्वारा प्रोवाइड किए गए हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए प्रोग्राम, उसे हम गूगल डॉक बोलते हैं। तो गूगल डॉक, गूगल सीट में एरियल फॉन्ट का यूज बाय डिफॉल्ट किया जाता है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार बदल सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप एरियल का यूज करती हैं। और जिसमें फॉन्ट का साइज 11 और 10 रखा गया है, यानी बाय डिफॉल्ट फिक्स है, जरूरी नहीं फिक्स, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। जो हमारी स्केल होती है वो 8 से लेकर 72 होती है, लेकिन हम मैक्सिमम 1638 फॉन्ट का यूज, साइज का यूज करके अपने टेक्स्ट को, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गूगल जीमेल, जो हम जीमेल चलाते हैं, उसमें सेंस सेरिफ, सेंस सेरिफ क्या होते हैं आपके, अभी आपको आगे बताएंगे कि सेंस सेरिफ में हमारा फॉन्ट किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपको आपको दिखाई दे रहा है टर्मिनल, जो टर्मिनल लिखने की स्टाइल है उसे हम सेंस सेरिफ बोलते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टाइम्स न्यू रोमन, तो टाइम्स न्यू रोमन में क्या दिख रहा है आपको, टी में साइड में कुछ एक्स्ट्रा लाइन का यूज किया गया है साइड में। ऐसे ही आपके यहाँ पर डब्लू में कुछ एक्स्ट्रा लाइन का ऊपर यूज किया गया है, तो इसको बोलते हैं सेरिफ फॉन्ट। और सेंस सेरिफ फॉन्ट जिसमें हम नॉर्मली टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको मैं आपको भी आगे बताता हूँ कैसे दिखाए गए जाते हैं। इसका नॉर्मल होता है फॉन्ट साइज, MS Excel जो हम यूज करते हैं उसका कैलिबरी,
2007 की बात कर रहे हैं, पावर पॉइंट 2007, वर्ड 2007, तो इनमें कुछ इस प्रकार से कैलिबरी फॉन्टों का यूज किया जाता है। तो इसमें जो फॉन्ट दर्शाए गए हैं उसका मतलब होता है कि हम किस राइटिंग में अपनी इन्फॉर्मेशन को लिख रहे हैं और कितने साइज में लिख रहे हैं। यहाँ पर जो साइज से तात्पर्य होता है वो होता है पॉइंट से। तो यहाँ पर हम 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, 14 पॉइंट, 16 पॉइंट, ऐसे 72 पॉइंट तक हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो 72 पॉइंट होता है तो वो हमारा 1 इंच के बराबर होता है, यानी 1 इंच का जो साइज होता है वो लगभग 72 पॉइंट के बराबर रिप्रेजेंट किया जाता है। और जिसमें आप 2.54 सेंटीमीटर यूज किया जाता है, यानी 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर एंड 72 पॉइंट। तो इस प्रकार से हम अपने फॉन्ट के साइज को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है 6 पॉइंट से 84 पॉइंट तक के फॉन्ट आकार के कुछ उदाहरण हम नीचे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे फॉन्ट को मापने के लिए सेंटीमीटर, एमएम, पॉइंट, पिकास, पिक्सल आदि यूनिट होती हैं जो हमारे फॉन्ट साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर में यूज की जाती हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि 6 से लेकर 84 पॉइंट किस प्रकार से दिखाया गया, तो यहाँ पर सबसे छोटा दिया गया है 6 पॉइंट, यानी बहुत ही छोटा फॉन्ट दर्शाने के लिए। और आपको जहाँ तो नॉर्मल जो हम पॉइंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं 12 पॉइंट, और यदि आप हिंदी टाइपिंग का यूज कर रहे हो तो वहाँ पर हम यूज करते हैं 14 पॉइंट, और जब भी आपको कोई एडिंग ऐसा एडिंग बतानी है तो वहाँ पर हम 16 या 18 पॉइंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे दिया गया है 84 पॉइंट तक यहाँ पर आपको साइज बताए गए हैं कि किस प्रकार से पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद फिर आपको दिया गया है यहाँ पर फॉन्ट की स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब होता है कि आपका जो फॉन्ट होता है यदि उसको चौड़ाई में हम बढ़ाते हैं, यानी उसकी जो फॉन्ट का साइज चौड़ाई में बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और यदि आपको फॉन्ट का साइज लंबाई में बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। यानी वर्टिकल स्केलिंग में फॉन्ट का चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, सिर्फ लंबाई बढ़ती जाएगी। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में फॉन्ट की लंबाई नहीं बढ़ती, सिर्फ चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से हम फॉन्ट की स्केलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आपको नीचे दिया गया है। तो सबसे नीचे जो लाइन लिखी हुई है वहाँ पर फॉन्ट की चौड़ाई बहुत कम है और लंबाई भी कम है, तो यहाँ पर स्केलिंग बहुत कम है। और जैसे हम स्केलिंग बढ़ाते हैं चौड़ाई बढ़ती जा रही है और फॉन्ट की लंबाई भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हमारी 12 पॉइंट इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई। तो इस प्रकार से हम स्केलिंग का यूज करके अपने फॉन्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आती ट्रैकिंग, यानी फॉन्ट की ट्रैकिंग। फॉन्ट की ट्रैकिंग का मतलब जो टेक्स्ट हम जिस फॉन्ट का यूज करके लिखती हैं तो उस टेक्स्ट के मध्य, प्रत्येक कैरेक्टर के मध्य यूज किया जाने वाला स्पेस ट्रैकिंग कहलाता है। तो जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो वर्ड ट्रैकिंग, उसमें कैरेक्टर बहुत पास पास लिखे हुए हैं, यानी इसमें ट्रैकिंग का मतलब है वेरी टाइट। 5 प्रकार की ट्रैकिंग होती है, वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज। तो ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रैकिंग वो वेरी टाइट में लिखा हुआ है। जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप गौर से देखोगे टेक्स्ट के कैरेक्टर के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस आता जा रहा है, तो इस स्पेस को हम बोलते हैं ट्रैकिंग। तो हमारा टेक्स्ट कुछ स्पेस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे नीचे जो लाइन लिखी हुई है उसमें वेरी लूज ट्रैकिंग ऑप्शन का यूज किया गया है, जिसमें हमारे कैरेक्टर के मध्य बहुत सारा गैप रिप्रेजेंट किया गया है। लीडिंग पॉइंट, लीडिंग का मतलब होता है 2 लाइनों के मध्य गैप, कि आप जो लाइन लिख रहे हो तो पहली लाइन के बाद सेकंड लाइन आप कितनी गैप में लिख रहे हो, उन दोनों के मध्य कितना गैप दे रहे हो, तो उसे हम लीडिंग के नाम से जानते हैं। यानी पहली लाइन जिस जगह से आपने लिखी है, जिस बेस लाइन से आपने पहला टेक्स्ट लिखा है, तो अब दूसरा टेक्स्ट किस बेस लाइन से आप लिख रहे हो, तो 2 बेस लाइन के बीच की डिस्टेंस लीडिंग कहलाती है। तो बाय डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वर्ड प्रोसेसर होते हैं, उनमें 1.15 लीडिंग का यूज किया जाता है, स्पेस का यूज किया जाता है। लेकिन आप अपने अवस्था अनुसार सिंगल लाइन, डबल लाइन, 3 पॉइंट आदि लाइन ऑफ स्पेस का यूज कर सकती हैं। अब आते हैं पॉइंट के प्रकार, यानी उनको लिखने के तरीके।
तो फॉन्ट को लिखने के तरीके को हम टाइपोग्राफी कहते हैं। तो फॉन्ट को टाइप करने के आधार पर उन्हें मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। जैसे पहला भाग आपको दिखाई गया सेरिफ, जो मैंने आपको बताया था। तो सेरिफ में जैसा आप दिख रहे हो, गोले के अंदर कुछ एक्स्ट्रा लाइन आपके कैरेक्टर के साथ रिप्रेजेंट की जाती है। तो ऐसा पॉइंट जिसमें आपके टेक्स्ट के साथ साथ एक्स्ट्रा लाइन रिप्रेजेंट की जाती, दिखाई जाती है कैरेक्टर के साथ, तो ऐसे फॉन्ट को हम सेरिफ फॉन्ट के नाम से जानते हैं। और इसके विपरीत आपको दिख रहा है सेंस सेरिफ, यानी जिसमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा लाइन का यूज नहीं किया गया है, सिंपल भाषा में, सिंपल डिजाइन में, टाइपोग्राफी के माध्यम से हमने अपने टेक्स्ट को लिखा है, तो इसे हम बोलते हैं सेंस सेरिफ फॉन्ट। तो जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन सेकेंड ऐप की तरह दिखाई दे रहा है तो उसे हम सेंस सेरिफ टाइपोग्राफी फॉन्ट कहते हैं। और जैसा कोई कैरेक्टर आपको पहले ऐप की तरह दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइन आपकी बॉटम में, फ्रंट में, अप लेफ्ट में, राइट में रिप्रेजेंट की जाती हैं, तो ऐसे फॉन्ट को, ऐसी टाइपोग्राफी को हम सेरिफ फॉन्ट टाइपोग्राफी कहते हैं। तो ऐसे हम कई प्रकार के फॉन्टों को लिखने के तरीके से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन, जियोर्गिया, प्लेटिनो, ये सब हमारे सेरिफ फॉन्ट की कैटेगरी में आते हैं। ओल्ड स्टाइल फॉन्ट, जिन्हें ज़्यादातर 15वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया था, और इसमें आपकी टेक्स्ट को घुमावदार तरीके से बताया जाता है। जैसे आपको नीचे दिया गया है, यहाँ पर REN लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो R का जो हिस्सा है, तो वहाँ पे जहाँ पे गोला बना हुआ है रेड कलर का, वहाँ पे बहुत पतली लाइन आ रही है, और उसके बाद जो पीछे R जा रहा है वो लहरता हुआ जा रहा है, घुमावदार जा रहा है। ऐसे यहाँ पे E जो दिख रहा है तो वो डायगोनल शेप में जा रहा है, तिरछा जा रहा है डायगोनल। ऐसे यहाँ पे N, तो इस प्रकार के फॉन्ट को हम ओल्ड स्टाइल फॉन्ट कहते हैं। और इसी के अपोजिट आप ट्रांजिशनल सेरिफ फॉन्ट, जैसे आपको दिया गया है यहाँ पर, जिसमें किसी प्रकार का डायगोनल नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार घुमावदार आर नहीं है, तो ऐसे फॉन्टों को हम ट्रांजिशनल फॉन्ट के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कई तरीके के फॉन्ट का यूज किया जाता है आपके टेक्स्ट को अट्रैक्टिव फॉर्मेट में लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई है कि हम फॉन्टों को किस प्रकार से समझेंगे, किस प्रकार से यूज किए जाएंगे। तो जितना हमें पेपर में लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। तो जी, आपको नॉलेज के आधार बताए गए हैं कि कौन कौन से फॉन्टों को हम किस नाम से जानते हैं, और वह फॉन्ट दिखने में किस प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर कुछ फिगर दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकती हो कि किस प्रकार के फॉन्ट को किस नाम से समझाते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ सेरिफ फॉन्ट के बारे में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर कुछ स्टाइलिश स्क्रिप्ट फॉन्ट के बारे में बताया गया है, तो इनको बोलते हैं हम स्क्रिप्ट फॉर्मेट। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, तो कुछ फॉन्ट आपको नीचे दें जिन्हें हम स्क्रिप्ट फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट फॉर्मेट, जो आपकी चौथे प्रकार की जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर होते हैं, जिन्हें हम बच्चे छोटे में पढ़ते हैं, तो चौथे प्रकार के अल्फाबेट के रूप में हमारे इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर स्क्रिप्ट फॉन्ट का या टाइपोग्राफी का यूज करते हैं, जिन्हें हम कैलीग्राफिक स्क्रिप्ट फॉन्ट भी कहते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के फॉन्ट आपको यहाँ बताए गए हैं जिनके माध्यम से आप अपनी राइटिंग को अट्रैक्टिव बना सकती हो और अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव रूप में अपने डॉक्यूमेंट में लिख सकती हो। तो इतने प्रकार के हमने यहाँ पर फॉन्टों के बारे में बात की कि किस फॉन्ट का यूज किस प्रकार से डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए यूज में लाया जाता है। तो यहाँ पर हमने बात की आज फॉन्ट के बारे में कि फॉन्ट का यूज किस प्रकार से हमारे टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है, कितने प्रकार के फॉन्टों का यूज हमारे डॉक्यूमेंट में होता है। तो इतना मटेरियल आप समझ के अपने पेपर में, एग्ज़ाम में लिख सकती हो। और यदि आपको ये समझ में नहीं आता, याद नहीं होता, तो जो नोट्स में आपको दिया गया है मैटर, उतना भी सफिशियंट है आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको फॉन्ट के बारे में बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, और कहीं भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।